യഹോശു അധ്യായ 4 യഹോശു അധ്യായ 4 ജബ് ഉസ് സാരി ജാതി കെ ലോഗ് യർദ്ദൻ കെ പാർ ഉതർ ചുക്കെ തബ് യഹോവാ നെ യഹോശു സെ കഹാ പ്രജാ മെ സെ 12 പുരുഷ് അർത്ഥാത് ഗോത്ര പീച്ഛെ ഏക ഏക പുരുഷ് കോ ചുൻ ലേനാ യഹ ആജ്ഞാ ദേ കി തും യർദ്ദൻ കെ ബീച് മെ ജഹാ യാജകോ കെ പാവ് ധരേ ഥേ വഹാ സെ 12 പത്ഥർ ഉഠാകർ അപ്നെ സാത് പാർ ലേ ചലോ और जहां आज की रात पड़ा होगा वहीं उनको रख देना। तब यहोशू ने उन 12 पुरुषों को जिन्हें उसने इसराइलियों के प्रत्येक गोत्र में से छांटकर ठहरा रखा था बुलवाकर कहा, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के संदूक के आगे यर्दन के बीच में जाकर इसराइलियों के गोत्रों की गिनती के अनुसार एक एक पत्थर उठाकर अपने अपने कंधे पर रखो, जिससे यह तुम लोगों के बीच चिन्हानी ठहरे। और आगे को जब तुम्हारे बेटे यह पूछे कि इन पत्थरों का क्या मतलब है, तब तुम उन्हें यह उत्तर दो कि यर्दन का जल यहोवा की वाचा के संदूक के सामने से दो भाग हो गया था, क्योंकि जब वह यर्दन पार आ रहा था तब यर्दन का जल दो भाग हो गया। सो वे पत्थर इसराइल को सदा के लिए स्मरण दिलाने वाले ठहरेंगे। यहोशू की इस आज्ञा के अनुसार इसराइलियों ने किया, जैसा यहोवा ने यहोशू से कहा था वैसा ही उन्होंने इसराइली गोत्रों की गिनती के अनुसार 12 पत्थर यर्दन के बीच में से उठा लिए और उनको अपने साथ ले जाकर पड़ाव में रख दिया। और यर्दन के बीच जहां याजक वाचा के संदूक को उठाए हुए अपने पांव धरे वहां यहोशू ने 12 पत्थर खड़े कराए, वे आज तक वहीं पाए जाते हैं। और याजक संदूक उठाए हुए उस समय तक यर्दन के बीच खड़े रहे जब तक वे सब बातें पूरी न हो चुकी जिन्हें यहोवा ने यहोशू को लोगों से कहने की आज्ञा दी थी। तब लोग फुर्ती से पार उतर गए, और जब सब लोग पार उतर चुके तब याजक और यहोवा का संदूक भी उनके देखते पार हुए। और रूबेनी, गादी और मनुष्य के आधे गोत्र के लोग मूसा के कहने के अनुसार इसराइलियों के आगे पांति बांधे हुए पार गए, अर्थात कोई 40,000 पुरुष युद्ध के हथियार बांधे हुए संग्राम करने के लिए यहोवा के सामने पार उतरकर यरीहो के पास के अराबा में पहुंचे। उस दिन यहोवा ने सब इसराइलियों के सामने यहोशू की महिमा बढ़ाई, और जैसे वे मूसा का भय मानते थे वैसे ही यहोशू का भी भय उसके जीवन भर मानते रहे। और यहोवा ने यहोशू से कहा कि साक्षी का संदूक उठाने वाले याजकों को आज्ञा दे कि यर्दन में से निकल आए। तो यहोशू ने याजकों को आज्ञा दी कि यर्दन में से निकल आओ, और जो ही यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजक यर्दन के बीच में से निकल आए और उनके पांव स्थल पर पड़े, त्यो ही यर्दन का जल अपने स्थान पर आ गया और पहले की नाई करोड़ों के ऊपर फिर बहने लगा। पहले महीने के 10वें दिन को प्रजा के लोगों ने यर्दन में से निकलकर यरीहो के पूर्वी सिवाने पर गिलगाल में अपने डेरे डाले, और जो 12 पत्थर यर्दन में से निकाल लाए थे उनको यहोशू ने गिलगाल में खड़े किए। तब उसने इसराइलियों से कहा, आगे को जब तुम्हारे लड़के वाले अपने अपने पिता से यह पूछे कि इन पत्थरों का क्या मतलब है, तब तुम यह कहकर उनको बताना कि इसराइली यर्दन के पार स्थली स्थल चले आए थे, क्योंकि जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने लाल समुद्र को हमारे पार हो जाने तक हमारे सामने से हटाकर सूखा रखा था, वैसे ही उसने यर्दन का भी जल तुम्हारे पार हो जाने तक तुम्हारे सामने से हटाकर सूखा रखा, इसलिए कि पृथ्वी के सब देशों के लोग जान ले कि यहोवा का हाथ बलवंत है और तुम सर्वदा अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानते रहो।